ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्राचीन व पारंपरिक मेलों का धनी ट्रांसगिरी क्षेत्र में इन दिनों विशु मेला धूमधाम से मनाया जा रहा है। संक्रांति से जिला सिरमौर के अलावा शिमला व उत्तराखंड में जगह जगह पर मेला त्योहार का आयोजन हो रहा है। मेले में जहां ठोडो नृत्य खेल का मनोरंजन लोग उठा रहे हैं, वहीं कुश्ती दंगल के साथ साथ सांस्कृतिक लोकगीत हारुल व नाटी का दौर भी चल रहा है। मेलों में पूरे देश से पहलवान पहुंच रहे हैं, वहीं पर क्षेत्र में मेहमानों की भी खूब आवभगत हो रही है। विशु मेला क्षेत्रीय लोगों की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है। प्राचीन तरीके से मेले का आयोजन होने से क्षेत्र की संस्कृति देश से अलग नजर आती है। प्राचीन व पारंपरिक मेलों का धनी ट्रांसगिरी क्षेत्र में इन दिनों विशु मेले की धूम है। जिला बिलासपुर के अलावा जिला शिमला और उत्तराखंड से इन दिनों जगह जगह पर विशु मेलों का आयोजन हो रहा है। संक्रांति से शुरू हुए इस मेले को जगह जगह पर आयोजित किया जाता है। मेले में जहां ठोडो नृत्य खेल का मनोरंजन लोग उठाते हैं, वहीं कुश्ती दंगल के अलावा सांस्कृतिक लोक संगीत मुजारा नाटी आदि का दौर भी चलता है। पूरे देश से मेलों में पहलवान यहां पहुंचते हैं, वहीं इस क्षेत्र में मेहमानों की भी खूब आवभगत होती है। क्षेत्र में संक्रांति के दिन जिला शिमला सिरमौर और उत्तराखंड के शिरोमणि शिरुगल महाराज चूड़ीधार महाराज के मंदिर में नए साल में खुशहाली सुख समृद्धि प्रेम व भाईचारा बना रहे इसके लिए बुरास के फूल चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले लोग गांव के साझा आंगन में एकत्रित होते हैं, सभी बुरास के फूल लेकर आते हैं, फिर ढोल नगाड़ों के साथ देव महिमा का गुणगान किया जाता है और मंदिर परिसर में पहुंचकर कुल देवता को फूल अर्पित किए जाते हैं। पूजा अर्चना के बाद से समूचे क्षेत्र में मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे सबसे पहले इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विश्व में मेला है, ये तो मेला है तो मिलन का त्योहार है। ये हमारे इधर उधर से जितने भी रिश्तेदार, पहले मेहमान नहीं हो पाते थे, मेहमान नहीं जा पाते, तो मेले में एक मिलन का बहाना सबसे बढ़िया था। तो इसलिए प्राचीन है तो हमें भी इसको आगे ले जाना है। आज की डेट में तो मिलन के 100 ऑप्शन है, कई किस्म से मिलना शुरू करते, लेकिन पहले एक मात्र साधन होता था विशु मेला। मेला विशु हरियाल्टी दो तीन किस्म के मेले होते हैं हमारे पूरे साल में, जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड का है, हमारा हिमाचल का है, तो इनमें ये मेला सबसे मेन है कि मिलन का त्यौहार है। ये क्या क्या करते हैं आप? क्या क्या करते हैं यहाँ पे? खाना पीना बढ़िया तरीके से मिलन का माध्यम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ये जो हमारे यहाँ मेला मनाया जाता है ये बहुत पुरानी परंपरा है और उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे लोग, और ये बहुत अच्छा माध्यम होता है मतलब लोगों के साथ घुलने मिलने का और अपनी ट्रेडिशनल आगे बढ़ाने का। आपको बता दें कि समूचे क्षेत्र में एक से दो दिन तक अलग अलग जगहों पर आपसी मिलन के प्रतीक वुशु मेलों का आयोजन पूरे माह चलता रहता है। प्राचीन काल से चली आ रही मेले की परंपरा को क्षेत्रीय लोग आज तक संजोए हुए हैं। मेले के दिन गांव में लोग एकत्रित होकर देव छड़ी को साक्षी मानकर आपसी भाईचारे में रहने का कुल देवता से आशीर्वाद लेकर पौराणिक संस्कृति के आधार पर देव छड़ी को गाजे बाजे के साथ मेला स्थल तक पहुँचाते हैं, जहाँ पर सभी लोग देवता का आशीर्वाद लेते हैं और मेले का शुभारंभ होता है। इसके बाद लोकनाट्य हारुल का दौर शुरू होता है, जिसमें सभी मेहमानों से मनोरंजन करवाया जाता है। कुश्ती दंगल में प्रथम रहने वाली टीम को सम्मानित भी किया जाता है। इसी तरह ठोडो नृत्य में भी प्रथम टीम को उपहार से सम्मानित किया जाता है। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, उसके अंदर हमारा जो शिमला और सिरमौर का जो एरिया है, इसमें हमारे साजी के दिन विशु का जो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हमारे इस पूरे भारतवर्ष में जो एकमात्र जो पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें कि उत्तरांचल भी आता, हमारा हिमाचल का ये पहाड़ी क्षेत्र भी आता, जिसमें विशु का कार्यक्रम मनाया जाता है, और इसमें बहुत दूर दूर से जो हमारे लोग बाहर रहते हैं वो सभी लोग घर पहुंचते हैं और इस विशु के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देते हैं। ये जो कार्यक्रम है हमारा, ये साजी के दिन शुरू होता है। उस दिन बान में जो फूल लगते हैं, जिसको बुरास कहते हैं, उस दिन उन फूलों को लाया जाता है। पूरे ग्रामीण, पूरे क्षेत्र के लोग जाते हैं और शिरगुरु महाराज का जो हमारा ये मेला है, पूरे क्षेत्र में जो इस मेले का आयोजन होता है, तो शिरगुरु महाराज जी को उस दिन साजी के दिन उन फूलों की, जो बुरास के फूलों की माला पहनाई जाती है, और उसी दिन से लेकर के इस विश्व मेले का कार्यक्रम जो है शुरू हो जाता है, जो कि आज सातवां जो दिन है उस संग्राम के बाद से लेकर के, तो आज हमारा भी यहाँ पे गिरनौल में जो खतबनों का जो हमारा मेला है वो आज यहाँ पे आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे पूरे खत और क्षेत्र के लोग आए हैं, जिसमें कि सभी लोगों ने अपनी सेवा की तारीफ।
स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम के समय महिलाओं द्वारा बाहर से आए मेहमानों व खिलाड़ियों को पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। विशु मेले ट्रांसगिरी क्षेत्र के अलावा जिला शिमला और उत्तराखंड में हर वर्ष मनाए जाते हैं। पुराने जमाने में युवाओं और युवतियों के लिए वर मेलों के माध्यम से ढूंढे जाते थे। तब से आपसी संपर्क के सूत्रधार इस मेले को आयोजित किया जाता है और बदले जमाने में सुविधाएं भी बदल रही हैं। हमारा विशु मेला है, संक्रांत के दिन शुरू होता है और जितनी भी हमारे गांव की लड़कियां होती है जिनकी शादी ब्याह हुए होते हैं वो इस दिन इकट्ठे होते हैं और ये जो मेला है हमारा है इस दिन जो है हम गुरास के फूल लेकर श्रीगुरु महाराज के मंदिर में समर्पित कर देते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी लोग अपनी पुरानी परंपरा को नहीं भूले हैं। क्षेत्र के युवाओं के लिए मेले ही बाहरी क्षेत्र से आने जाने और सभी रिश्तेदारी सगे संबंधियों सहित बाहरी लोगों से मिलने का माध्यम है। इसलिए हर वर्ष का आयोजन निर्धारित तारीख को पौराणिक संस्कृति के आधार पर ढोल नगाड़ों के साथ शुरू किया जाता है। यहाँ का जो ये मेला है ये हमारे एरिया का एक तानी मेला है, इसे हम इसका इंतजार हमें एक सालों से रहता है, ये एक साल में एक बार मनाया ही जाता है और इसमें जो हम अपनी डिशेज बनाते हैं अपने घरों में वो जैसे क्या क्या बनाते हैं लोले हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने घरों में बनाते हैं। हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं और मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। ये मेला जो है एक साल में एक बार मनाया जाता है।